जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं मनोज सिंह आज वाराणसी डिफेंस एकेडमी से एक बार फिर मैं भर्ती स्थल पे हूँ। और आपको पता है कि भर्ती स्थल पे ये जो सामने आप देख रहे हैं रणबांकुरा स्टेडियम, जिसमें आपका रनिंग होना है, जिसमें इस टाइम अभी भैंस चल रही है। और आपने बोला था सर एक वीडियो बनाइए कि रणबांकुरा स्टेडियम का जो ग्राउंड है बरसात में क्या रहेगा, तो ग्राउंड आपका भरपूर सूखा हुआ है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड कभी भी इसमें आप दौड़ सकते हैं। पीछे का जो एरिया है वो थोड़ा सा घास वगैरह कुछ ज्यादा है, आप देख सकते हैं पीछे के एरिया थोड़ा सा घास है, थोड़ा आगे उठा लो। और यहाँ से कुछ मुझे लग रहा है कि अगर दो दिन अगर काम कर दिया जाएगा, अगर आर्मी पर्सन हैं जो दो दिन अगर काम कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा। तो कई कमेंट आ रहा था सर कि इतना वीडियो बना रहे हैं तो रणबांकुरा स्टेडियम का आप ग्राउंड का वीडियो बनाइए। तो फाइनली आप ये देख सकते हैं ठीक ठाक कंडीशन में है। और मैं ये चलकर भी मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखते रहिए, ये ग्राउंड आपका कहीं ना कहीं ये देखिए एकदम सूखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग आप कभी भी कर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा ये देखिए एकदम सूखा है, भैंस चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको लेफ्ट साइड में लेकर चलता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे आपका टोटल टोकन होगा, मार्शलिंग होगा, ये देख सकते हैं ये एरिया बाएं साइड में दिखा दो, ये बाएं साइड का जंगल जो देख रहे हैं यहीं से आपका मार्शलिंग एरिया होगा, यहीं पे आपका टोकन बटेगा, भीड़ लगेगी, यहाँ से उठ के आप लोग जाएंगे आगे की तरफ। मैं फाइनली इधर आगे और स्टेट कर देता हूँ, ये एरिया देख लीजिए आप, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, थोड़ा सा घास दिख रहा है, घास उस टाइम पे साफ कर दिया जाएगा क्योंकि भर्ती के अकॉर्डिंग ये घास साफ हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया आप देख लीजिए। और जैसे भी है कि बनारस एआरओ के हर अपडेट को मैं आप कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं स्टेटिक्स दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अभी मुझे कुछ चलकर दिखाना है क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा अंदर जाने नहीं देते हैं, अंदर जाने भी देंगे तो बोलेंगे सर प्लीज वीडियो मत बनाइए, और आप तक पहुंचाना है तो ये कोई अनसिक्योरिटी वाला काम मैं कर नहीं रहा हूँ, सिक्योरिटी आपका प्योर बरकरार है। ये ग्राउंड का वीडियो है, ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए आपका प्रॉपर वाराणसी एआरओ जिसके ऊपर आपको रनिंग करना है, ये देख लीजिए पूरा। अब आपको ये कभी आपने विजुअलिटी नहीं देखा होगा वाराणसी का, कभी बहुत से लड़के ऐसे आएंगे जो पहली बार बनारस में आएंगे तो ये गेट रहेगा आपको मिलेगा, पहचान देख लीजिए इस टाइप का आपका गेट रहेगा। और मेन गेट ये देखिए आपका मेन गेट, यहाँ हिदायतें बाएं साइड में ले लो, ये हिदायतें लिखी रहेंगी सारी, ये देखिए ये आपका मेन गेट है आर्मी रिक्रूटमेंट, ऊपर दिखाइए आर्मी रिक्रूटमेंट वाला ये मेन गेट है, और ये आपका बंद रहेगा इस टाइम दोपहर का टाइम है। राइट साइड में देख लीजिए ये मार्शलिंग वाला ग्राउंड है, यहाँ पे आपका टोटल नाप तौल जितना एक लाइन से हर ट्रेड वालों को एक लाइन से किया जाएगा, तो ये एरिया है आपका मार्शलिंग का एरिया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो वाराणसी एआरओ आपका रनिंग कराने के लिए प्रॉपर तैयार है, मौसम का इशू कुछ नहीं है, डेट आ ही चुका है, तैयारी आप अपने हिसाब से कर लें। तो ग्राउंड का जो आप बोल रहे थे वीडियो बनाइए, तो ये इधर से भी देख लीजिए कॉर्नर से, इस एंगल से भी आप देख सकते हैं ग्राउंड, आप ये देख लीजिए इस एंगल से भी आप ग्राउंड देख लीजिए, मैं चारों बगल से आपको घुमाकर दिखा दिया हूँ ग्राउंड, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, और हम लोग तैयारी करवाए रहे, आप लोग जहां हैं तैयार हो जाइए, बीम पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरिट में आपको बीम ही लाएगा, बीम ही फंसाएगा। रनिंग तो आपका है ठीक है, वो अपनी जगह है। तो क्या बोल रहे हैं आपको, और कौन सा वीडियो चाहिए, ग्राउंड का वीडियो चाहिए था ये आपको मिल गया, बाकी डॉक्यूमेंट का वीडियो है वो भी आपको मिल गया, मंडे टू मंडे आपको वो मिलता है 1600 मीटर का रनिंग वो भी आपको मिल गया है। तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने शॉप की तरफ आगे, जहां मेरा नेक्स्ट दूसरा शॉप है वहां चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।